हे गाइस, टुडे हिंदी में बात करनी है। आज हमें हिंदी में बात करनी है और आज हमें इन द सेंस मुझे हिंदी में बात करनी है। इस वीडियो में मैं पूरी तरह हिंदी में बात करने की कोशिश करूंगी और मैं जैसे रुक रुक के बोलती हूँ ये बिल्कुल गलत बात है। चलो, एक्चुअली आज सुबह मैं जब उठी थी तो मैंने सारे काम खत्म करने के बाद तैयारी की थी कि मैं आज एक हॉल वीडियो फिल्म करूंगी, क्योंकि बहुत सारा सामान इकट्ठा हो गया है पिछले 2 महीने में और मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहती थी। बिकॉज हॉलीडे सीजन है, आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट खरीद रहे होंगे, बिकॉज आपको पता है नया साल भी आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है और सब जगह मॉल्स और सब कुछ बहुत ही बिजी है, बहुत अच्छी अच्छी सेल्स हो रही है। मैंने भी कुछ सामान सेल में खरीदा है तो मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ वो सब शेयर करूंगी, क्योंकि आप भी जान सकते हैं कि कहाँ पे क्या सेल लगी है। और मैं तो राइट नाउ सिंगापुर में शॉपिंग करती हूँ और कभी कभार मैं ऑनलाइन शॉपिंग भी करती हूँ। आजकल मैं ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत ही आनंद उठा रही हूँ, बिकॉज आपको पता है कि जब से मैं हांगकांग गई थी और मैं टैन हो गई थी, उसके बाद मैंने धूप में जाना बिल्कुल बंद कर दिया है। जब टैन आपको पुराना हो जाता है, आपकी स्किन बहुत डल और डार्क हो जाती है, और ऐसी बात नहीं है कि डार्क स्किन से मुझे कोई तकलीफ है, पर डार्क होने की वजह से इट ऑल्सो बिकम्स थोड़ी थोड़ी उसमें मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मेरे जो एक दो लाइन इंग्लिश में निकल जाते हैं मैं उसे कम करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आपके साथ हिंदी में बातें इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि आपने बहुत सारी रिक्वेस्ट की हैं और मैं क्योंकि सिंगापुर में रहती हूँ, मुझे अपने पति के अलावा और कोई नहीं मिलता हिंदी में बात करने के लिए। जब भी हम बाहर जाते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि सिंगापुर है, हम सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं बहुत सारे लोगों से, तो ये बहुत अच्छा होता है। इनफैक्ट जब मैं और मेरे पति भी रहते हैं, हम हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके इंग्लिश में बात करते हैं। एकदम शुद्ध हिंदी का प्रयोग तो हम शायद घर में भी नहीं करते, पर मैं अपने वीडियो के थ्रू आपसे हिंदी में बात करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि बहुत सारे मेरे इंडियन और पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं, इवन मैं बांग्लादेशी फ्रेंड्स और ऑल इन टुगेदर ऑल माई देसी फ्रेंड्स, वो चाहते हैं कि मैं हिंदी में बात करूँ। और मेरे लिए ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इससे मैं आपके साथ मोर कनेक्टेड फील करूंगी। एनीवेज, मैं पता नहीं आपको क्या बताने में लग गई, मैं आपके साथ आज एक हॉल वीडियो शेयर करना चाहती थी पर मैंने अपना प्लान चेंज कर लिया है। मुझे अभी फेसबुक पे एक मैसेज आया और उस मैसेज ने मुझे फिर से याद दिलाया कि मैंने बहुत लंबे समय से कोई क्वेश्चन आंसर और Q&A वीडियो नहीं किया है और आप लोग बहुत ही टाइम से मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहे हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज Q&A वीडियो शूट करूं। और अब मैंने ये वीडियो शुरू कर दिया है और मुझे याद आया ना तो मैं अपना आईपैड लेके बैठी हूँ, ना लैपटॉप लेके बैठी हूँ और ना मैं फोन लेके बैठी हूँ। जल्दी जल्दी में मैंने बस ये कैमरा ऑन किया, मैं अभी नहा के आई हूँ, मैंने बस अपने बाल ऐसे पंखे में सुखाए हैं और जस्ट अपने आप को तैयार किया है। मैंने थोड़ा आज एवरीडे काइंड ऑफ वियरेबल मेकअप किया है अर्बन डिके नेकेड पैलेट यूज करके, और मैंने ये नेक्स का एलोबामा लिपस्टिक यूज किया है जो एक लाल रंग है और बहुत ही अच्छी मैट फिनिश का रंग है और मेरी जो ब्राउन और भूरी त्वचा है इस पे बहुत सूट करता है। मेरे हस्बैंड को भी ये कलर बहुत अच्छा लगता है और ये रिसेंट मेरा फेवरेट है, तो मैंने ये जस्ट लिपस्टिक लगाया है विच इज मैट फिनिश, क्योंकि मेरा प्लान है कि मैं वीडियो खत्म करने के बाद बाहर जाऊं और अपने कैमरे के लिए, अपनी शूटिंग के लिए एक माइक लेके आऊं। पिछले 2 महीने से मैं माइक ढूंढ रही हूँ, इतने महंगे हैं, एक दो जगह मुझे मिले भी और इतने महंगे थे। ऊपर से टेक्नोलॉजी यूज करना कोई आसान बात नहीं है, आप उसे खरीदते हो फिर उसे सीखते हो फिर दिमाग खराब होता है, मेरे लिए तो वो एक टेंशन है। सीरियसली मैं बताऊं, मैं अपनी लाइफ जितना सिंपल हो सके रखने की कोशिश करती हूँ, स्पेशली ऑल दिस गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ता है क्योंकि जमाना ऐसा हो गया है, इसके बिना काम बहुत मुश्किल से चलता है या धीरे चलता है, पर उसको सीखना उतना ही मुश्किल होता है। तो मैं अभी एक माइक नहीं ले पाई हूँ, तो आज मैंने ठान के रखी है कि आज थोड़ा मौसम अच्छा है, थोड़े बादल हो रखे हैं बाहर, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ऑलरेडी दोपहर हो गई है तो बारिश भी हो सकती है। अभी विंटर है सिंगापुर में, सिंगापुर में वैसे 12 मासों गर्मी रहती है, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ क्योंकि हमेशा आप शॉर्ट ड्रेसेस पहन सकते हो और सिंगापुर बहुत ही फैशनेबल कंट्री है, इट्स लाइक सुपर फैशनेबल। जब मैं 3 साल पहले यहाँ पे आई थी, मैं यहाँ की बहुत सारी चीजों को देख के बहुत एक्साइटेड थी और बहुत खुश थी, मुझे अभी भी अच्छा लगता है कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ लिविंग है। आप लड़की हो के भी रात के 12 बजे रोड पे ऐसे चल सकते हो, कोई भी आपको छेड़ेगा नहीं, कोई भी आपको कोई कमेंट पास नहीं करेगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी।
आपको पता है हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में कितने इश्यूज है, चाहे आप नॉर्थ में रहो चाहे साउथ में रहो, आप इंडिया के किसी भी कोने में जाओ, आपको ऐसे ना ऐसे लोग कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, भले ही वो मजाक के लिए ऐसा करे पर वो आपको या लड़की को अनकंफर्टेबल कराने की कोशिश करते हैं। आपने चाहे कितने भी डिसेंट कपड़े पहने, फॉरगेट अबाउट जीन्स और टी शर्ट, अगर आपने शर्ट कह रही हूँ सूट और साड़ी भी पहनी होगी तो लोग आपको जरूर छेड़ेंगे। जिसका दिमाग खराब है वो तो छेड़ेगा ही, चाहे आपने कुछ भी पहना हुआ हो। तो इसलिए जब मैं इंडिया जाती हूँ तो मैं जगह के हिसाब से कपड़े पहनती हूँ, वो बहुत ही जरूरी है। और कभी कभार जगह ठीक होने के बावजूद भी आपके साथ मिसबिहेवियर हो सकता है, तो वो चीज से मुझे बहुत नफरत है। मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे को ऐसे लोग जो लड़कियों को छेड़ते हैं या परेशान करते हैं या बिना मतलब के मजाक में ये कमेंट मारते हैं या आपके मामले में घुसने की कोशिश करते हैं, मुझे उस टाइप के लोगों से सख्त नफरत है। और इंडिया में इस चीज का मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं अभी भी जब इंडिया जाती हूँ, रास्ते में तुम चल रहे होते हो, कोई भी तुम्हें हाथ लगा के चला जाएगा, अगर भीड़ भड़ाके की जगह होगी लोग ऐसा करेंगे। तो आप चाहे अपने आप को कितना भी ढक के रखें, आप सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को ढक सकते हैं। मैं जब मार्केट जाती हूँ, मुझे याद है मैं अभी जब दिवाली के सीजन में इंडिया गई थी बैंगलोर में, मेरे पेरेंट्स का घर है बैंगलोर में, वो लोग वहाँ पे सेटल्ड हैं, तो और बैंगलोर में ही मैंने अपने स्कूलिंग कॉलेज और जॉब और सब शादी सब कुछ किया है। तो मैं बहुत प्यार करती हूँ बैंगलोर और इंडिया से, लेकिन जब मैं वहां जाती हूँ और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि भीड़ भड़ाके हैं, दिवाली का त्योहार है, मार्केट में बहुत भीड़ है, आप अपनी माँ के साथ शॉपिंग करने गए हो, मम्मी के साथ बाहर गए हो, आपने सूट पहना हुआ है, बहुत ही हल्की ज्वेलरी पहनी है, मतलब ज्वेलरी क्या, मैं तो मंगलसूत्र पहनती थी। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो मैं लगातार अपनी वेडिंग रिंग, विच इज माय डायमंड वेडिंग रिंग, और मेरा मंगलसूत्र मैं हमेशा गले में पहनती थी। लेकिन जब से मेरी डिलीवरी हुई है, मेरा बेबी हुआ है, वो बहुत छोटा है और उसकी आदत सी पड़ी कि वो ना कपड़े में यहाँ पे हाथ लगा के ना लटका रहेगा गोदी में, जब भी मैं उसे पकड़ूंगी वो यहाँ पे हाथ लटका के मेरी गोदी में लटका रहेगा। तो एक दो बार उसने मेरी चेन तोड़ दी थी, मैंने उसको रिपेयर कराया, फिर पहना, फिर उसने तोड़ दी। तो फिर ना पिछले एक साल से ऐसा हो गया कि मैं उसे पहनती ही नहीं हूँ। अभी त्योहार के टाइम मैं इंडिया गई थी और मैंने फिर से वो अपने गले में डाल लिया था, क्योंकि मम्मी बोलती रहती है, मम्मियों को तो आपको पता ही है कि हम सब इंडियंस हैं, हमारे अपने रीति रिवाज हैं और उनको अच्छा लगता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा इस तरह से तो मुझे उन्होंने पूरी जिंदगी में देखा है। पर शादी के होने के बाद जब आप थोड़े डिफरेंट तरीके से तैयार होते हो तो मम्मियों को बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि गले में पहन लो, त्योहार है तो अच्छी बात है। तो मैंने पहन लिया और उसने खेल खेल के, अब वो बड़ा हो गया, 18 महीने का हो चुका है, उस टाइम 18 का था, तो 19 महीने का हो चुका है, उसने फिर खेल खेल में ऐसे खींच डाली और वो टूट गई। और इस टाइम मैं क्या बताऊं, फिर हमें वो रिपेयर कराना पड़ा। ये अच्छी बात है कि हम भीमा ज्वेलर्स के रेगुलर कस्टमर्स हैं, मेरी शादी की पूरी ज्वेलरी और उससे पहले भी मेरे मम्मी पापा, क्योंकि वहां पे सेटल्ड है, हमने बचपन से वहीं से खरीदा है, इट इज अ ट्रस्टेड ब्रांड, इसको कोई प्रमोशन नहीं है भाई, ये मेरा अपना ओपिनियन है। तो उनसे मैं थोड़ी रिक्वेस्ट की कि मुझे एक हफ्ते में वापस सिंगापुर जाना है, तो उन्होंने मेरी रिपेयर करा के चेन वापस दे दी है। वैसे मैं इस टॉपिक पे कैसे पहुंची, ओह गॉड, एनीवेज, तो ये सब चीजें हैं। तो मैं अच्छे से तैयार हुई और मैंने सोचा था कि मैं अभी बाहर जाऊंगी और मैं जाके अपने कैमरे का माइक ढूंढ के लाऊंगी। फाइनली अगर मुझे आज भी माइक नहीं मिला जहां मैं जा रही हूँ, उसके बाद मैं ऑनलाइन ढूंढूंगी, अगर सिंगापुर में नहीं मिला तो मैं बाहर से शिप कराऊंगी, क्योंकि मैं सच्ची में परेशान हो गई हूँ। जब मैं आपसे से बात करती हूँ, मेरा कैमरा मेरे से 3 कदम दूर रखा है, तो मैं रियल लाइफ में जिस तरह से बात करती हूँ उस तरह और मेरे वीडियोस में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि कैमरे की वजह से मुझे चीख चीख के बोलना पड़ता है, कैमरा दूर है इसकी वजह से। तो अगर मेरे पास एक माइक होगा, मैंने सोचा है कि मैं रोड का प्रो माइक, एक्स प्रो माइक खरीदूंगी, जो कहा जाता है कि थोड़ा अच्छा है और कैमरास के साथ चलता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने आप को तैयार कर लूं। फिर मैंने सोचा कि मैं हॉल वीडियो नहीं करूंगी। ये जो टॉप मैंने पहना है, ये भी एक न्यू बाय है, ये मैंने अभी मेट्रो से खरीदा है, मैं मेट्रो की मेंबर हूं और हमने जहाँ पे अभी नया घर लिया है यहाँ पे भी मेट्रो है मॉल में, तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा मेंबर होने की वजह से 10% छूट मिलती है, और उसके बाद कब जब फेस्टिवल से कुछ स्पेशल ऑफर होते हैं तो 20-50% भी छूट मिल जाती है, तो इतने महंगे कपड़े होने के बावजूद भी काम चल जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं फटाफट तैयार होती हूँ और मैं आपके साथ वीडियो शूट करती हूँ। मैंने देखा है कि ये 11 बज गए हैं, मेरे बज गए हैं 12, मुझे लगता है 11:30 का वीडियो हो चुका है। तो ये एक Q&A वीडियो बनने की कोशिश हुई थी,
क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपसे इतनी बात कर ली है, वो भी इतनी जल्दी बात की है, तो आप सोचिए कि मेरे पास कितनी सारी बातें हैं आपके साथ करने के लिए। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं ये वीडियो ऑफ करती हूँ, अपना आईपैड या मोबाइल जो भी मुझे मिले साथ में, जिसमें भी बैटरी या चार्ज हो, मैं उसको लेके आती हूँ, और फिर उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई देती हूँ जो मुझे आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम और पूरे सोशल मीडिया पे पूछे हैं। शायद मैं ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दूं, क्योंकि मुझे आप लोगों से बहुत प्यार है, और अगर आपको चाहिए कि मैं किसी टाइप के स्पेशल वीडियो बनाऊं, मैं बहुत सारे वीडियो के प्लान्स अपने दिमाग में रखती हूँ, अभी है मेरे दिमाग में। तो अगर आपके पास कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है तो मुझे जरूर बताइए, क्योंकि मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसे भी, अपने नया साल आने वाला है, नए प्लान्स शुरू होने वाले हैं, तो मैं अपने उन वीडियो के प्लान्स को भी अपने यूट्यूब के वीडियो लिस्ट में ज्वाइन कर लूंगी। चलो अभी के लिए मैं रखती हूँ, और दूसरे वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ जो कि एक Q&A वीडियो होगा। बाय।